जो लोग आए 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 लिखे जा रहे हैं, अगर मैं आप सब लोगों को आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशन आज दे दूं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? मतलब आपके मिशन, विजन, गोल्स, सब चीजें जो जो लिखनी है सब पूरी हो जाए, लाइफ में जो चाहिए वो मिलने लग जाए, हैप्पीनेस आ जाए, कैसा लगेगा? जोरदार, ऑसम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आज जैसे अंकित ने बोला कि 12 दिन हो गए हैं, ग्रैटिट्यूड आप लोगों के ब्लड में घुस गया है, ग्रैटिट्यूड आप लोगों के ब्लड में घुस गया है। ये क्वेश्चन मैं अब एलुमनाई से नहीं पूछ रहा हूँ, नए मेंबर से पूछ रहा हूँ कि क्या आज मैं आप लोगों से कुछ मांग सकता हूँ? मैं आप लोगों की लाइफ पे अथॉरिटी मांग सकता हूँ अगले 16 दिन तक? मेरे को एलुमनाई से नहीं चाहिए, एलुमनाई से मेरे को मालूम है, सारे जितने भी न्यू मेंबर्स हैं, मैं आप लोगों की लाइफ को अपने हिसाब से चला सकता हूं अगले 16 दिन तक। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच, आप लोगों का विश्वास सीरियसली बहुत अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन मेरा, क्या आप लोग सब दिल से एक बार अब रिप्लाई बंद कर दो, मेरे को बता दो, आप लोग सब लोग दिल से सक्सेसफुल और हैप्पी होना चाहते हो? दिल से ग्रेट। तो क्या आप लोग एक सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान देना पड़ेगा। हर चीज ऐसे सस्ते में नहीं आती है, हर चीज ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए एक्शन लेने पड़ते हैं। क्या आप लोग उन सबके लिए तैयार हो? मैं कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहा हूं, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग अपनी लाइफ के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो? यस, चलो, थैंक यू सो मच। एक जने का भी नो नहीं आया, मैं तो डर रहा था कि लोग बोल देंगे नहीं, पर एनीवेज थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अब आपने कल मैजिकल मॉर्निंग पढ़ी, कल का चैप्टर सब लोगों ने पढ़ा, और कैसा लगा आप लोगों को? हाउ वॉज इट? सो सत्य यही है, हाउ यू बिगिन योर डे डिसाइड्स योर डे, हाउ यू स्टार्ट योर डे गोज द सिमिलर वे। तो अब आज से जब आप लोगों ने मेरे को अथॉरिटी दे दी है कि आप लोग वही करोगे जो मैं बोलूंगा, तो अब आप लोग सुनिए, कल से आप लोग क्या करोगे? कल से, इनफैक्ट आज रात से, आज रात को सब लोग 9 बजे सो जाएंगे, आज रात को सब लोग 9 बजे सो जाएंगे। मेरे को स्टोरीज नहीं चाहिए कि मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर आप दिल से चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप आज से 9, हद मार के 10 बजे आप लोग सो जाओगे। अब इस बात को प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ये आज का सेशन सबसे पावरफुल सेशन होगा आपकी लाइफ को बदलने के लिए। आज रात से 9 बजे सब लोग सो जाएंगे। जब जब आप 9 से 12 सोते हो तो आप 6 घंटे की नींद पूरी कर लेते हो। आपका जो बॉडी का एनर्जी लेवल होता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है, वो डबल होती है। और रोज सवेरे आप 3:30 बजे उठ जाओगे। एक इंसान को 7 घंटे की नींद जरूरी होती है, मिनिमम 7 घंटे की नींद जरूरी होती है। तो अब आप 9 से 12 सोगे, मतलब आप 6 घंटे सो गए, और 12 से 3:30 मतलब 3.5 घंटे, मतलब 9.5 घंटे की नींद आप पूरी कर लोगे। और जब जब आपको 9.5 घंटे की नींद पूरी आ जाएगी, तब आपका दिन अच्छा होएगा ही होएगा। अगर आप लोगों ने प्रॉमिस किया है मेरे को कि आप लोग वो करोगे जो मैं बोल रहा हूं, तो आज से आप लोगों को ये करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सोने में प्रॉब्लम आएगी, आज दोपहर में कोई लेटेगा भी नहीं, आज पूरे दिन आप काम करते रहोगे, जैसे शाम को थक के सो जाओ, और रात को 8 बजे बाद अपने हाथ में कोई भी मोबाइल फोन नहीं उठाएगा। रात को 8 बजे बाद आप लोग अपने हाथ में आपका मोबाइल फोन नहीं उठाओगे। अगर फोन करना है तो आप दूसरों के मोबाइल से फोन करोगे, पर रात के 8 बजे बाद
नो न्यूज, नो टीवी, नो नेटफ्लिक्स, नो यूट्यूब, नो व्हाट्सएप। आज से आप लोग 8 बजे के बाद अपने मोबाइल को नहीं लोगे, कोई अच्छी बुक पढ़ोगे, हैप्पी बुक पढ़ोगे, अपने मैजिक रॉक के साथ आप लोग सो जाओगे। मैजिक रॉक के साथ आप लोग सो जाओगे। आप स्लीप साइकिल को समझने की कोशिश कीजिए, सोना जरूरी है। दिशा, मेरे को नहीं चाहिए कि आप लोग 11:30 बजे सो और 3:30 बजे उठ जाओ। नहीं, आप लोग 10 बजे से पहले सोगे और 3:30 बजे उठोगे। जरूरी है नींद। अगर आप लोगों ने नींद पूरी नहीं करी तो आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। सो आज के बाद प्लीज ट्राई एंड स्लीप जितना जल्दी आप सो सकते हैं, जितना जल्दी आप सो सकते हैं। जिसको नींद नहीं आती वो अपना मैजिक रॉक पकड़ के अच्छी चीजों के बारे में सोचेगा और सोएगा। 3 दिन आप लोगों को स्ट्रगल होगी, 3 दिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे को दोपहर में सोना चाहिए। पर जब जब आपको दोपहर में सोना हो, आपको नींद आए, तो आप अपने आप से पूछिएगा कि ये आधे घंटे की नींद जरूरी है या मेरे जीवन भर की खुशी। आधे घंटे की नींद या जीवन भर की खुशी। पूरा दिन जब आप नहीं सोगे तो रात को जल्दी सो जाओगे और एक अच्छी हैप्पी किताब पढ़ के सोगे, मैजिक रॉक अपने हाथ में लेके सोगे। सो दिस इज दिस अ प्रॉमिस? एवरीवन इज गोइंग टू ट्राई फ्रॉम टुडे। ठीक है, अभी आगे बता रहा हूं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया कि आपको कल से क्या करना है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब आप जब कल सवेरे साढ़े, अब मैं आपको हैंड होल्डिंग करके जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे समझा रहा हूं, और इस स्टेप को आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना दिन कैसे बनाना है। आप लोग सुबह 3:30 बजे उठोगे, उठते ही ग्रैटिट्यूड सबसे पहली चीज, ग्रैटिट्यूड जो मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस है, पहला कदम रखा ग्रैटिट्यूड, दूसरा कदम रखा थैंक यू। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? आहा, क्या करना है? आहा, आप जैसे हो एक्सेप्ट योरसेल्फ। पहली चीज ए का मतलब एक्सेप्ट योरसेल्फ। दूसरा, उठते ही अपने आप को हग करना है। अपने आप को हग मतलब ऐसे हग करना है। लिख लीजिए जो जो लिख रहे हैं। और तीसरा, अपने आप की तारीफ करनी है। रवि भैया, वी आर सचिन भैया ऑल्सो, एंड सचिन भैया रोजाना सुबह 4:30 4 बजे उठते हैं और ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आप शेयरिंग जरूर लेना। ठीक है, मैं लेता अभी उनको। सो अप्रिशिएट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्वाति, वेरी गुड, आई लाइक इट। अप्रिशिएट योर सेल्फ, 3 चीजें उठते ही जब आप पलंग पे होते हो ये आपको करनी है। मैं एक प्रेयर बोलता हूँ उठते ही, और उठते ही जो मैं प्रेयर बोलता हूँ वो ऐसी प्रेयर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ, मेरा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए सदैव मुस्कुराता रहूं। ये जो 2 लाइंस होती हैं, ये मेरी लाइफ में जो जो चीजें मेरे को चाहिए सब कुछ कवर कर लेती हैं। सो उठते ही मेरी ये प्रेयर्स होती हैं, मैं आप लोगों के साथ सजेस्ट कर रहा हूं कि ये आप लोग करोगे। और उठने के बाद किसी ने फोन उठा लिया है, जो बीमारी है ना आपकी उठते ही फोन देखने वाली, कि उठ के फोन देख लो, इस बीमारी को अपने अंदर से बाहर फेंकोगे आप लोग। कोई भी फोन को हाथ नहीं लगाएगा उठने के 2 घंटे बाद तक। प्लीज आप अपने प्रेयर वगैरह मैं भेज दूंगा आपको तानिया, बट आप लोग अपने फोन को हाथ नहीं लगाओगे। जो नींद में उठ के जो आप व्हाट्सएप मैसेजेस उठते ही यूं यूं गोल उंगलियां घुमाते रहते हो, ये बंद कर दीजिए प्लीज। ये दिन की शुरुआत ही अगर आप गंदी तरीके से करोगे तो बहुत ही गंदा रहेगा। और जैसे आप पलंग से उठे, आप बोलोगे, आप सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत अपना पलंग बना के करोगे। यू विल मेक योर बेड। आपने अपना पलंग बना दिया तो आप ये मान के चलिए आपने अपना दिन बना दिया। सो आपकी बेडशीट, चाहे आप कुछ भी हो, कौन भी हो, आप अपनी बेडशीट खुद फोल्ड करोगे। चाहे आपके पास कितने सेवादारी हो, अपना पलंग आप खुद बनाओगे।
इज इट ओके? उसके बाद अगर खिड़की पे जाके ऊपर देख के ब्रह्मांड को थैंक यू बोल सकते हो तो थैंक यू बोलिएगा। वापस उठते ही उसके बाद आप लोगों को सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी और नींबू से करते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए और आपको एनर्जी देता है। सो अगर आप गर्म पानी नींबू और हनी के साथ चालू करते हो तो ठीक है। अगर आप नई शौकीन हो, नींबू के आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप गर्म पानी से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। उसके बाद सबसे एक्साइटिंग मोमेंट, अगर आप आपके कमरे में अपने स्पाउस के साथ किसी और के साथ सो रहे हो तो आप दूसरे कमरे में जाओगे, और दूसरे कमरे में जाके आप लोगों को क्या करना है, चाहे आपकी कोई भी एज हो, आप लोगों को क्या करना है? नहीं, कोई नहीं बता पा रहा है। यस रुचिका, थैंक यू सो मच। आपको 3 से 5 मिनट डांस करना है। और कौन से गानों पे डांस करना है, कोई सैड सॉन्ग नहीं चलाने, हैप्पी सॉन्ग चलाने हैं। मैं आप लोगों को अपने सॉन्ग शेयर कर रहा हूं कि मैं कौन से सॉन्ग्स पे कोशिश करता हूं डांस करने की। अब जो सीनियर सिटीजन बैठे हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है। नहीं सर, आप अभी नहीं हो सीनियर सिटीजन, आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोगों ने अभी आधी जिंदगी देखी है, आपको 120 साल तक जीना है। सो जो लोग ज्यादा अंग्रेज हैं, जो कल अंग्रेजी ज्यादा बोल रहे थे, उन लोगों के लिए मैं पहले गाना चला रहा हूं, फिर उसके बाद मैं हिंदी वाले लोगों के लिए गाना चलाता हूँ जिनको हिंदी पसंद है। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, वो देख लीजिएगा आपके। तो आप लोगों को स्टेप्स भी, डांस भी ऐसे ही करना है, इस वीडियो को चलाना और इस वीडियो पे ऐसे ही डांस करना। सॉरी मैं बंद कर रहा हूँ, वापस चालू हो गया। सो आप लोगों को डांस भी ऐसे ही करना है। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो ये चला देना, जो हिंदी में कंफर्टेबल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे सॉन्ग्स पसंद करने चाहिए। अब जो हिंदी में कंफर्टेबल है, मैं उनके लिए सॉन्ग्स पसंद करके दे रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे सॉन्ग सुनने चाहिए। सुबह सुबह को आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग होगी वो कैसी होगी। नाचना है, बिल्कुल ऐसे ही नाचना है आप लोगों को। सुबह को उठते ही ऐसे ही नाचना है। और अब मैं अंकित का फेवरेट सॉन्ग चला देता हूँ, जो उसको हमेशा पसंद है, और अगर आप लोगों को भी वो पसंद हो तो आप उस पे भी डांस कर सकते हो। अंकित, एनी गेसेस, कौन सा सॉन्ग है आपका लव योर फेवरेट? जिंदगी। इसमें आपको अगर स्लो डांस करना है तो ये आप, मेरी 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 बेटी का फेवरेट सॉन्ग है, मतलब मेरा तो है ही है, बट मेरी बेटी का पहले है। सो बेसिकली ये सारे गानों का एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो इनके वर्ड्स होते हैं, इनके वर्ड्स आपकी प्रोग्रामिंग को, आपके दिन को हैप्पी कैसा बनाते लगेगा हैं। अगर मैं कहूं आपसे फैमिली ट्रिप होंगे सिर्फ लीप ईयर में, दोस्तों के साथ पार्टी? समझ में आ गया आप लोगों को किस सॉन्ग्स? बाकी आपकी मर्जी है, मैंने बस आपके साथ शेयर इसलिए किए क्योंकि ये सारे सॉन्ग्स आपको पॉजिटिव रखते हैं, आप लोग खुश होते हो ये अच्छे शब्द सुन के, अच्छे शब्द सुन के आप लोग खुश होगे। उसके बाद आपको जो भी फ्रेश होना है, जैसा भी होना है, आप फ्रेश हो जाइए। एंड और आपको, आपको जिस चीज में स्ट्रगल हो रही है, आप टेबल कुर्सी पे जाके बैठ जाओगे और अपने आप को वार्म अप करना चालू कर दोगे। वार्म अप करना मतलब आपको जो जो चीज करनी है आप उसके लिए सोचना चालू कर दोगे। एक पुरानी गाड़ियां होती थी ना, 30-40 साल पुरानी गाड़ियां, जिनको वार्म अप होने में टाइम लगता था, इग्निशन दबाना पड़ता था कि इंजन गर्म हो जाए। तो आप लोग भी एक पुरानी गाड़ी बन चुके हो, आप लोगों की उम्र भी 30-40-50 साल हो गई है, तो आप लोगों को भी वार्म अप होने में टाइम लगता है।
20 मिनट आप लोग स्ट्रगल करोगे कि मैं करूं क्या, कि मेरे को क्या करना है, मैं लिखूं क्या, मेरे को क्या आना चाहिए। आपको एटलीस्ट 20 मिनट लगेंगे गर्म होने में, और जो जो आपकी समस्याएं हैं आप उसको पेपर पे लिख दोगे। वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग इन लाइफ, जो जो प्रॉब्लम्स आपके पास लाइफ में आ रही हैं उनको आप पेपर पे लिख दोगे। फिर जब तक आप ये सारी चीजें कर लोगे आपका ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूं, पर ब्रह्म मुहूर्त सनराइज से 96 मिनट्स पहले चालू होता है। 96 मिनट्स, आप जिस भी देश में हो आप सनराइज लिख लेना, आपको पता चल जाएगा। आप अमेरिका में बैठे हो, आप लोग ब्राजील में बैठे हो, आप सिंगापुर में बैठे हो, आप जहां पे भी बैठे हो आप देख लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त 43 मिनट्स की जो साइकिल होती है ये सनराइज से 96 मिनट्स पहले होती है। आप अमेरिका में लिख लीजिएगा कि सनराइज कब होता है तो वो आपको बता देगा। जयपुर में अभी सनराइज जो हो रहा है 5:00 कुछ मिनट पे हो रहा है, 5:50 पे और समथिंग। तो यहाँ पे जो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है वो हो रहा है 4:27 अभी। आज का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था 4:27 से लेके 5:10 तक का, 4:27 से लेके 5:10 का ब्रह्म मुहूर्त जयपुर में है। आप लोग अपने देश में देख लीजिएगा कि कब है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, सूरज धरती के बिल्कुल ऊपर होता है और रोशनी दोनों तरफ पड़ती है। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त, इसके डेप्थ में मैं जाता हूं, बट आप सुन लीजिए आपको करना क्या है। आप लोग ये जो टाइम है 43 मिनट्स का, आपकी लाइफ की जो भी समस्या है आप वो लिखोगे और मांगोगे। आप गोल्स नहीं समझ में आ रहे, आपको मिशन नहीं समझ में आ रहा, आपको विजन नहीं समझ में आ रहा, या आपको ब्लेसिंग नहीं समझ में आ रही, आप लोग वो लेके बैठ जाओगे और उसको छाप डालोगे। मनीष जी कोई जरूरत नहीं है नहाने की, मैं नहीं बोल रहा कि सुबह उठ के नहा के करो, नहा के करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते हो तो अपने आप को परेशान मत करो। सो आप लोग उधर उस वक्त, ये 43 मिनट आपका टाइम है, ये मी टाइम है, ये आपका मी टाइम है, इसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सिर्फ आपका समय है कि आप क्या करना चाहते हो और आपको किस चीज में तकलीफ हो रही है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हो सकता है 3 दिन आपको तकलीफ आए कि मेरे को जवाब नहीं मिल रहा, चौथे दिन ब्रह्मांड आपसे बात करेगा। आप अपने आप को इस कदर कनेक्ट कर लोगे, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो इस कदर आपको हेल्प करेगी कि आपको लगेगा कि आप बात कर रहे हो। जो प्रॉब्लम आप लिख रहे हो हर सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, आप ये मान के चलिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया में 90% सफल लोग इसका उपयोग करते हैं। जो जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो जो लोग खुश हैं, वो लोग को मालूम है कि हमारे को हमारी लाइफ में क्या चाहिए और कैसे मिल सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त से मिल सकता है आप लोगों को। तो जितने लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा, अगर आपने आज ठान लिया, आज का गोल अगर आपका है कि मेरे को कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3 दिन के बाद आप देखिएगा, 3 दिन के बाद मैं आपसे बात करूंगा, 3 दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या चल रहा है। और अगर आपको कोई स्ट्रगल नहीं है तभी भी आप लोग उठोगे, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, आपने असाइनमेंट कर दिए, सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी आप लोग उठोगे। और उठ के क्या करना है, जो दुनिया के सबसे सफल लोग हैं वो क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सुबह जल्दी उठ के क्या करते हैं, मेडिटेशन 15 मिनट, आप लोग आधा घंटा अपने लिए मेडिटेशन के लिए जरूर दीजिए। मन की शांति मिलेगी, अंदर की शांति होगी तो पूरा दिन शांत जाएगा। अगर आप जिस भी फील्ड में हैं इस वक्त आपने अपने आप को एजुकेट नहीं किया, जबकि हम न्यू नॉर्मल में जा रहे हैं, हम नई दुनिया में जा रहे हैं, अगर ये टाइम आपने अपनी लर्निंग में नहीं दिया तो अपने समय को खराब कर रहे हो आप। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप इस टाइम को बिल्कुल नष्ट कर रहे हो। चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों नहीं हो, आपको नई चीजें सीखनी चाहिए। और आज के दिन आप कौन से 3 अच्छे काम करोगे वो आपको लिखना है। आज के दिन आप कौन से 3 अच्छे काम करोगे जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी, वो आपको विजुलाइज करना है या लिखना है।
और इसके बाद 5 मिनट का समय मिले तो आप लोग अफर्मेशंस, अफर्मेशंस मतलब अपने आप को क्या बोलना चाहते हो आप वो बोलोगे और विजुलाइज करोगे कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा। जैसे जैसे आप विजुलाइज करोगे वैसा ही दिन आपका जाएगा। आप सपनों में देखोगे, आंख बंद करके अपने दिन को देखोगे, आज पूरे दिन भर में मैं ये करूंगा। जब जब आप ये करोगे तब तब आपका दिन वैसा ही जाएगा। आप ये सोचोगे कि आज मैं जाके दान पुण्य करूंगा तो आप दान पुण्य करोगे ही करोगे। आप किसी की मदद करना चाहते हो, आप अपने दोस्त की मदद करना चाहते हो, तो आप उसको विजुलाइज करोगे कि आज मैं जाके इस इंसान की मदद करूंगा। आप अपने आप से बात करोगे, आपके दिमाग में एक वीडियो चलना चाहिए, फास्ट फॉरवर्ड वाला वीडियो, कि आज पूरे दिन भर में मेरे को ये करना है। और अपने आप को बोलोगे आई एम एनर्जेटिक, आई एम वाइब्रेंट, आई एम सुपर एनर्जेटिक, आई एम सुपर वाइब्रेंट। हर चीज मैं से चालू होती है। जब मैं बदलूंगा तो दुनिया बदलेगी, मैं बदलूंगा तो मेरी परिस्थितियां बदलेंगी, मैं बदलूंगा तो मेरे लिए मेरी खुशियां भी बदलेंगी। ठीक है, एनी किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डर लग रहा है, अगर ये डर भी लग रहा है तो इस डर को आज लिख लेना, अपना जो गोल है आज का, इसको लोग लिख के, इसका डर लग के और इसका अफर्मेशन लिख देना और एक्शन पॉइंट ले लेना। रवि भाई, एक प्रॉब्लम तो नहीं थी। राजेंद्र सर यूएस में हैं और उनको अपना सेशन खत्म होते होते 10:30 to 10:45 हो जाते हैं, तो मैंने उनको ये बोला है कि आप कोई नहीं 4 बजे नहीं 5 बजे चालू कीजिए, और जब सेशन खत्म हो जाए तो सुबह 4 बजे पे चालू कर दीजिए, क्लास खत्म होने के बाद। मतलब अपना सेशन अराउंड 19 या 20 को खत्म होगा, तो उसके बाद 4 o'clock चालू कर सकते हैं। डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर विद हिम? नो प्रॉब्लम सर। आप वैसे यूजली कितनी देर सोते हो? बेसिकली क्या, जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है तो आपकी नींद भी कम होती जाती है, आप लोग 5-6 घंटे में फ्रेश हो जाते हो। सो आई डोंट नो आप कितने देर सोते हो, बट राजेंद्र सर इज देयर विद अस, मेरे को दिख नहीं रहे। Yes, he is there. सर आप सनराइज भी देख लीजिए, हो सकता है कि आपके देश में सनराइज लेट हो रहा हो। I can live with 6, 7 hours, 6 hours without any problem. So I'll try to calculate the Brahma Muhurt. It's very important. That's something with sounds very important to me, so I'll try to do the best. But I want to listen to the sessions live, so I'm going to be here every night, you No know. problem, sir. We can talk after the session and we can find out Okay. a way for you. We can find out a way. Okay. Thank you. Okay. Thank you. आप वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर पीपल हो जो रेगुलरली आ रहे हो ना, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच। No, it's my. I am really enjoying it. It's been extremely helpful to me. थैंक यू Thank you सर। very much. Thank you. Thank you. Thank you to both of you and all the participants. थैंक यू सो मच। सो आप जिस दिन अपनी सुबह को काबू पालोगे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अपनी सुबह काबू पालोगे तो आपका पूरा दिन काबू हो जाएगा। इस लाइन को समझ लीजिए। आप लोग जो 8-8 बजे उठ के, 9-9 बजे उठ के, ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम जो आ रही हैं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपकी सुबह काबू में नहीं है। सुबह उठते ही दूध वाला आ गया, ये आ गया, इसको दे दो, इसका नाश्ता, उसका नाश्ता। आपके पास अपने लिए टाइम नहीं बचता, आप अपना दिन विजुलाइज नहीं कर पाते, आप अपना दिन प्लान नहीं कर पाते, इसलिए आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पेशली हमारी जितनी भी लेडीज हैं, आप लोग सुबह सुबह लेट उठने से आप लोगों के पास घर का काम इतना हो जाता है कि आप लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और इसको मी टाइम बोलते हैं। मी टाइम बहुत जरूरी है। जब जब सुबह को आपके पास आपका मी टाइम होगा, आप लोग डिसाइड कर लोगी कि हमारे को अपना दिन कैसा चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त को क्रिएटर आवर्स बोलते हैं, इसको अमृत वेला भी बोलते हैं, अमृत वेला भी बोलते हैं। और ये जो समय है ये किसी भी काम के लिए, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। आपको मेडिटेशन करना अच्छा है लगता है, आप चाहते हो कि आप अपने सोल से बात करो, आप चाहते हो अपनी आत्मा से बात करो, तो ये वो टाइम है जब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाते हो। और इसमें ऐसा क्या है, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक वाईफाई डिवाइस होता है, वाईफाई डिवाइस की स्पीड है 20 Mbps, और उसके साथ अगर इतने सारे डिवाइसेस लग जाएंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी।
सिमिलरली ब्रह्मांड है ना आपका वाईफाई डिवाइस, आप समझ लीजिए, जब जब लोग उससे सिग्नल मांगते हैं, आप जो वाइब्रेट करते हो, जो फीलिंग्स आपकी वाइब्रेट होती है, वो फटाफट सुन लेता है और आपको उसी वक्त जवाब दे देता है। हो सकता है कि आप अपनी प्रॉब्लम के साथ बैठो, आपको दूसरे मिनट जवाब मिल जाए, दूसरे मिनट आपको जवाब मिल जाए कि आपकी प्रॉब्लम ये है, और आप ये करके देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि आज तक हमने अपना जीवन नष्ट कर दिया। जो काम सुबह को हो जाता है वो पूरे दिन में नहीं हो पाता, सुबह के 2 घंटे का काम आपके पूरे 8 घंटे के काम के बराबर होता है। वापस बोलूंगा, 96 मिनट्स बिफोर सनराइज, आप जिस भी देश में हो, 96 मिनट्स पहले आप लोग बैठ जाओगे अपने काम पे। उठना एटलीस्ट आपको जितना टाइम लगे फ्रेश होने में, डांस करने में, ये सारी चीजें करके, और फिर बैठ जाना है हमारे को ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। ये किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए ये सबसे 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 अच्छा समय होता है। जो भी आपको जीवन में चाहिए, आपके गोल्स के लिए सबसे अच्छा समय होता है। समझ रहे हैं आप लोग इसको? इसकी मैं उसमें नहीं जाऊंगा डेप्थ में, इसका साइंस क्या है, कॉस्मिक एनर्जीज कैसे चलती है, ये सारी चीजें बहुत साइंटिफिक हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। पर आपको जो मतलब है आप समझ लीजिएगा, ये मनोरकाल होता है। मनोरकाल में जो उठ के काम कर लेता है उसके जीवन में सफलता आना अनिवार्य है। और रात के 9 से 12 का समय राक्षस बोलते हैं उसको, राक्षस काल, वो समय है जिसमें राक्षस जगते हैं। और दुनिया में 90% गलत काम रात को इसी समय होते हैं। आपको याद हो महाभारत के युद्ध में जब कौरवों ने रात को अटैक करने की कोशिश करी थी, तब पांडवों ने एक राक्षस को जगाया था, घटोत्कच को जगाया था कि तू लड़ ले, क्योंकि इस टाइम पे तू ही एक्टिव रहता है। सो अब आप डिसाइड कर लो कि आप क्या बनना चाहते हो, मैं आगे नहीं बोलूंगा। बट आज आप लोगों ने जब मेरे को अथॉरिटी दे दी है, तो आपको आज किसी भी हालत में 9 बजे सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक अब हमारे पास चैप्टर पढ़ना है क्योंकि 7:30 बज चुके हैं। सो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस अंकित, लेट्स टेक, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। जो जो लोग अभी तक इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको अपनी लाइफ के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। मतलब आप उस समय बस अपने दिल से शिद्दत से मांगो, वो चीज आपके साथ हो जाएगी। कुछ भी मांग लो यूनिवर्स से उस वक्त पे, वो चीज आपके लिए हो जाएगी। किसी के मन में कोई भी संदेह है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अनिल जी के मन में कुछ लग रहा है कि संदेह है, अनम्यूट कर रहा हूँ। अनिल जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। सचिन भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्लीज सचिन भाई को भी बोल लेते हैं। हेलो सर, स्माइल मॉर्निंग। सर लाइक अभी तो ठीक है, हम लोग 6-7 बजे तक घर पहुंच जाते हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, नहीं तो नॉर्मली घर आते आते 9:30 कभी कभी 10 भी बज जाते हैं ऑफिस से। तो इन दैट केस सर 9 बजे सोना और जाते खाना, आप कितने बजे? 9:30-10 बज जाते हैं रात को सर आते आते। नहीं आप आते कितने बजे सुबह को? सर सुबह 9:30। आपका तो खुद का बिजनेस है सर, रिटेल शॉप है सर। तो कर लो थोड़ा सा टाइम एडजस्ट यार, अब तो वैसे कोरोना काल है, लोगों को आदत हो गई है जल्दी सोने की। हाँ सर, अभी तो रिसेंटली सर टू बी फ्रेंकली मैं ऐसा इंसान था जो भविष्य की चिंता मत करो, आज के तारीख में जी लो, भविष्य की चिंता मत करो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सचिन सर। भाई आप कुछ बोलोगे, कॉन्ट्रीब्यूट करोगे इसमें? हेलो हेलो, ये सचिन भाई सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो सर, जो आपने बताया ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, मैं पिछले लगभग 2 महीने से कर रहा हूँ और वाकई में लाजवाब है, लाजवाब। जो ये करेगा उसको सब कुछ मिलेगा, मतलब एकदम क्लियर है ये चीज। मैं रोज सुबह उठता हूँ 4:15 अंकित भाई हमारे ग्रुप में है, उनको भी पता है कि रोज मैसेज मेरा जाता है और प्रॉपर वे में हम जितनी चीजें हैं जो मुझे करनी होती है दिन भर वो मैं सोचता हूँ वो होती है। और एक आपने बात कही बिस्तर उठाने वाली, ये बहुत बड़ी बात है। अगर जो व्यक्ति उठ करके अपना बिस्तर उठा लेगा वो समझिए एकदम एकदम उसमें जान आ जाएगी, बिल्कुल ये क्लियर है। और बाकी तो ये मैं आपको एकदम मतलब
यही कहूंगा कि सब लोग आप थोड़े दिन बाद में अपने आप 4 बजे 4:30 बजे उठने लग जाएंगे अगर ये आदत डाल लिया आपने, और शायद लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आप ये कहोगे यार मेरे पास कितना समय है, मेरे पास इतना समय है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि हमारा माइंड सेट है कि हमें इतने बजे उठना नहीं है, इतने बजे सोना नहीं है, ये सब कुछ सेट है, इस सेट को खत्म कर दीजिए। और दूसरी चीज, रवि भाई बोले कि 9 बजे सो जाइए, मैं ये कहता हूँ कि सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सुबह उठ जाइए, नींद तो अपने आप आ जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि 8:30 बजे आपकी आंखें ऐसी हो जाएगी कि मुझे सोना है, चाहे कोई नहीं रोक सकता आपको। मेरे साथ रोज यही होता है, मतलब 9 बजे सबको लगने लग जाता है कि इसको नींद आ रही है और वो सो जाता है। सचिन भाई, हमारे एलुमनाई ब्रह्म मुहूर्त के चक्कर में रात को 11-11 बजे 11:30 बजे 12 बजे भी सो रहे हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। हाँ, नहीं, वो सही तरीका नहीं है, 9 बजे सोना जरूरी है। वो दिशा यहाँ पे बैठी है, वो मेरे को बोलती है कि मैं 11:30 सो जाती हूँ, 3:30 उठ जाती हूँ। तो अब मैं उनको क्या बोलूँ कि अगर आप अपनी नींद सर गलत है, वो थोड़े दिन बाद बीमार मतलब हो जाए, मैं नहीं कहूंगा ये, लेकिन उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी दूसरी चीजों की। अपने को नहीं चाहिए ऐसे, अपने को वही चाहिए जो 9 घंटे सोए, और 9 घंटे जब ही सो सकता है जब 9 से लेके 3 बजे तक वो सोए प्रॉपर, तब जाकर के वो 9 घंटे सोएगा। मतलब मेरे हिसाब से उठने से ज्यादा इम्पोर्टेंट सोना है, बिल्कुल सोना है। 9 o'clock आपको लेट जाना है बिस्तर के ऊपर। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम पे नहीं सो पा रहे हो, तो आप मत उठिए, क्योंकि हाँ मत उठिए, बिल्कुल आपके हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, इसके ऊपर कुछ नहीं। आप हेल्दी हो तो सब कुछ हो जाएगा, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप मत उठिए प्लीज। यस, आरती जी का एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देते हैं। आरती जी, आपको कुछ प्रॉब्लम थी? 9 to 3:30 6 hours 30 minutes प्रीति जी ये बोलना चाहती हैं। मुझे एक प्रॉब्लम शेयर करनी थी कि अगर हम हमारे ट्यूशंस 9 o'clock तक होते हैं तो उसके बाद डिनर होमवर्क वो सब में टाइम चला जाता है, तो 9 o'clock कैसे? खाना पहले खा लो 7 बजे, शाम को 6 बजे डिनर कर लो। कंटिन्यूअस होता हूं नॉनस्टॉप ट्यूशन। ऐसी कैसी ट्यूशन पढ़ते बेटा आप? मेरा तो 6-7 hours भी नॉनस्टॉप जाता है 12th में। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप में दिल से कुछ चाहती हो तो आपके पास सारा समय निकालोगे, अगर आप करना ही नहीं चाहती हो तो आप कुछ भी कर लो, चाहे कोई कितना ही बोल दे आप नहीं करोगे। और जो पढ़ाई आपने सुबह को कर ली, आप ये मान के चलना कि आप शिखर पे हो। आप डेफिनेटली जो सुबह को उठ के आपने जो पढ़ाई करी है वो आपके माइंड में इस कदर घुसेगी कि आप कोई भी सवाल का जवाब दे पाओगी एग्जाम में। तो सुबह को आप पढ़ना चालू कर दोगी ना आरती, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ओके, ठीक है। सो आई थिंक वी आर लेट, बट प्लीज मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि हम वापस से कि हम लोग ही वो सबसे ज्यादा दिन की शुरुआत लेट करते हैं, और 90-95% लोग सुबह को अपना दिन 5 बजे से पहले शुरू कर देते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर।